हूँ शालिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल अभी और आपके लिए लेकर आए हैं हम एक खास खबर। जी हाँ, कोरोना संकट के चलते हिमाचल विधानसभा का सत्र टल गया है। कैबिनेट की आज बैठक थी और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि धर्मशाला में विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र प्रस्तावित है वो नहीं होगा। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज आयोजित की गई थी और इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है ये फैसला। चर्चा की गई, चर्चा के बाद इस शीतकालीन सत्र के आयोजन को न करवाने का ये जो फैसला लिया गया है इसके बारे में जानकारी शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दी है, जिन्होंने कहा है कि संवैधानिक तौर पर पहले सत्र और दूसरे सत्र के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, इसलिए हिमाचल में 18 मार्च तक सत्र बुलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाते जो कहा था कि जान है तो जहान है, इसलिए प्रथम प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश की जनता की जान को बचाना, कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकना, ये आज की प्राथमिकता है। इसलिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि माननीय राज्यपाल से संस्तुति की जाए कि जो पहला निर्णय था सत्र को बुलाने का, उसे जो है वो रोक दिया जाए। धर्मशाला में अब 7 से 11 दिसंबर तक सत्र विधानसभा का नहीं होगा, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से हम 18 मार्च तक कभी भी सत्र बुला सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पुराना सत्र था वो 18 सितंबर को खत्म हुआ था और संविधान की व्यवस्था है कि 6 महीने में आपको, 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टि से जो है वो हम 18 मार्च तक कभी भी सत्र बुला सकते हैं, इसलिए अभी बुलाने की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक प्रस्तावित था। इसके बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, पर हिमाचल में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने आज इस विधानसभा के सत्र को न करने का फैसला लिया है। तो जो मुद्दा काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था कि कहां होगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र, आज उस पर पूर्ण विराम लग गया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हिमाचल की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए और हम आपके लिए लेकर आते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित हर छोटी और बड़ी खबर। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी तरह आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहे हिमाचल अभी अभी पर। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।